Welcome you all students in today's session. In today's session, we will start our new lesson, that is lesson number 10, which is related with HTML. Before it, I am showing you some commands which we have already covered in our previous class, means 7th standard. Now I am going to start it. This is HTML. Iski full form kya hai? Main aapko isme saath saath likh deta hun, so that you can understand it very clear. H means hyper, ठीक है, this is hyper. T means text, M means markup and L for language, okay. तो hyper text markup language, what it means? One by one, word by word, we will learn what is the meaning of it. देखो hyper means ready to react. Means कहीं हम ऐसी जगह क्लिक करें जो एकदम क्लिक करते ही रिएक्ट करने को तैयार हो, ठीक है. दूसरा है टेक्स्ट. टेक्स्ट का हमें पता है कि वट एवर वी राइट इन कंप्यूटर, दैट इज टेक्स्ट. जैसे ये सब मैंने अभी लिखा है आपके सामने, दिस इज टेक्स्ट, राइट. मार्कअप, मार्कअप से क्या होता है कि जैसे आप कई बार हाइलाइटर से इंपॉर्टेंट नोट्स को अंडरलाइन कर देते हैं या उसको ऊपर से उसके हाइलाइटर ड्रॉ कर देते हैं जिससे कि वो अलग से ही नजर आना शुरू होते हैं, यानी आप उसको मार्क कर देते हैं. टीचर्स भी आपको बोलते हैं कि दीज लाइंस आर इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क देम, राइट. तो वही मार्कअप यहां भी वही है कि किस तरह से एक नॉर्मल टेक्स्ट को मार्कअप किया जाए, उसको ब्यूटिफाई किया जाए, राइट. और फिर लास्ट में आता है लैंग्वेज, यानी ये एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसी भाषा है जो आपके टेक्स्ट को हाइपर बनाती है और बाय मार्किंग, मार्कअप, ठीक है. यानी मार्किंग करना, मार्किंग मीन्स के उसको अलग से हाईलाइट करना, ठीक है. तो एक ऐसी लैंग्वेज है, लेकिन इसके अंदर हम करते क्या है, इसके अंदर हम करते हैं, हम क्या बनाते हैं इसके अंदर, वेब पेजेस. क्या बनाएंगे हम इसमें, वेब पेजेस. वेब पेजेस क्या होते हैं, वेब पेजेस कोई भी इंटरनेट के ऊपर जब आप कोई इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, दैट विल कम इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस. यानी कुछ पेजेस आपको नजर आएंगे जिसके अंदर आप डाटा स्टोर रखते हैं, ठीक है ना. और उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, उसमें आपका यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए. ये सबसे पहले तो उसमें होता है टेक्स्ट, फिर उसके अंदर क्या होता है, फोटोज, फोटो हो गई, फिर उसके अंदर आपके एनिमेशन हो सकती है, फिर उसके अंदर ग्राफिक्स हो सकता है, ठीक है, और उसके अंदर आपका साउंड हो सकता है और वीडियो हो सकता है, ठीक है. तो ये सारी चीजें और कुछ अगर आप और अंदर डिटेल में जाओगे तो सम सिंबल्स यू कैन ऑल्सो ड्रॉ, ठीक है. तो ये सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन के रूप में मिलती हैं. तो ये वेब पेज होता है बेटा. लेकिन अभी तक तो हमने सीखा कि वेब पेज को यूज कैसे करना है, यू आर जस्ट यूजिंग इट. बट इन दिस सेशन वी विल लर्न हाउ यू कैन डेवलप, हाउ यू कैन क्रिएट, हाउ यू कैन मेक अ वेब पेज, राइट. तो इस वेब पेज को कैसे आपने बनाना है, कैसे स्टार्ट करेंगे, ये हम HTML लैंग्वेज में सीखते हैं. दिस इज HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट. तो अब हमने इसका मीनिंग जान लिया. हाइपर इज रेडी टू रिएक्ट, टेक्स्ट मैंने वट एवर यू राइट, मार्कअप मीन्स उसको हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, और लैंग्वेज मीन्स कोई भी एक भाषा, यानी कंप्यूटर की वो भाषा जो आपको वेब पेज बनाने में हेल्प करती है, ठीक है, वो HTML है. एंड दिस इज द इजिएस्ट लैंग्वेज, इजिएस्ट लैंग्वेज. इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही आसान है. आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो यू कैन लर्न इट वेरी इजिली एंड वेरी क्विकली, ओके. तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसको. अब मार्कअप लैंग्वेज के लिए हमें क्या करना होगा कि इसके अंदर हमें दो सॉफ्टवेयर की जरूरत है. पहला सॉफ्टवेयर हमें चाहिए, उसका नाम है, हमें इस प्रोग्राम को लिखने के लिए एक हमें टेक्स्ट एडिटर चाहिए, टेक्स्ट एडिटर. टेक्स्ट एडिटर जैसे हमारे पास है नोटपैड, वर्ड पैड, ठीक है, नोट पैड, वर्ड पैड और एमएस वर्ड, ये है हमारे पास तीन मेन टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं,
लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट कन्वीनियंट कौन सा है, दैट इज नोटपैड। ठीक है, नोटपैड इसमें सबसे अच्छा है, इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर। दूसरा सॉफ्टवेयर हमें चाहिए, जब वेब पेज का प्रोग्राम बन जाएगा, जब वो प्रोग्राम हम लिख लेंगे, उसके बाद उसको रन करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर, जैसे वेब ब्राउजर में क्या क्या है, एक आपके कंप्यूटर में ही होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, और एक मोजिला फायरफॉक्स, राइट, दूसरा तीसरा एक गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, है ना, एक होता है नेटस्केप, नेविगेटर, ऐसे बहुत सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर्स आपके पास होंगे जो जो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर, जैसे टेक्स्ट एडिटर के अंदर नोटपैड इज द मोस्ट कन्वीनियंट सॉफ्टवेयर, उसी तरह ही इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका, सॉरी दिस इज वेब ब्राउजर, इसी तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये दो सॉफ्टवेयर हमें चाहिएंगे, एक नोटपैड और एक इंटरनेट एक्सप्लोरर HTML का प्रोग्राम बनाने के लिए। और लकीली और फॉर्चुनेटली बोथ सॉफ्टवेयर्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड विद विंडोज इन योर कंप्यूटर। जब आप विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं, कंप्यूटर लेके आए हैं, उसके अंदर ये अपने आप होते ही हैं, तो आपको अलग से इनको इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं होती बेटा। ठीक है, ओके, चलो अब हम स्टार्ट करेंगे इस लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज के बारे में जानने के लिए हमें सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी है ये जानना कि इसमें जो कमांड्स हम लिखेंगे वो किस तरह लिखी जाएगी, उन कमांड्स को हम क्या कहते हैं, कैसे इनको यूज किया जाता है, ये सब बातें अब यहाँ से शुरू हो जाएंगी। देखो बेटा, सबसे पहले तो जो भी कमांड हम इसमें लिखेंगे उनको हम कमांड्स नहीं बोलते हुए, हम इनको क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टैग्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको, टैग्स। ठीक, अब पहली बात तो हो गई कि कमांड नहीं बोलना है, टैग्स बोलना है, ओके गुड। अब इसके बाद ये जो टैग्स होते हैं ये कितनी तरह के होते हैं, है ना, कमांड होती है तो कितनी तरह की होती है, इसी तरह टैग्स जो होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स टैग्स वी हैव इन HTML, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप क्या कहती है हमें, फर्स्ट इज एम्प्टी टैग्स एंड अनदर वन इज कंटेनर टैग्स। ठीक है, तो दो तरह के टैग्स होंगे, एक एम्प्टी यानी खाली, और दूसरा कंटेनर टैग्स यानी जिसके अंदर कुछ ना कुछ है, जो अपने अंदर कुछ कंटेन किए हुए है। जैसे हमारे घरों के अंदर कुछ यूटेंसिल्स होते हैं, अगर उनमें कुछ सामान है तो उसके अंदर उसको हम कंटेनर बोल देते हैं, अगर वो खाली है तो उसको एम्प्टी बोल देते हैं। और इसी तरह से ही, ये बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, जैसे घरों के अंदर जो बर्तन खाली पड़े रहते हैं उनको हम बंद नहीं करते, उनको ढकते नहीं है, सेम वे वी नेवर क्लोज एन एम्प्टी टैग। दोबारा सुन लीजिए, जस्ट लाइक वी नेवर क्लोज्ड और नेवर कवर्ड आवर एम्प्टी यूटेंसिल्स, सेम वे इन HTML वी नेवर क्लोज एम्प्टी टैग्स। लेकिन जो कंटेनर टैग्स हैं उनको हमें क्लोज करना पड़ेगा, उनको ढकना पड़ेगा, उनको बंद करना पड़ेगा, एज सेम जैसा कि आप अपने किचन में करते हैं या अपने घर में करते हैं, कि जिस कंटेनर के अंदर, जिस बर्तन के अंदर अगर आपने कुछ डाला हुआ है, देन यू हैव टू कवर इट, राइट, या क्लोज करना पड़ता है उसको। जैसे डब्बे होते हैं, उनमें कुछ सामान डालते हैं तो वी हैव टू क्लोज देम, उनको हमें कवर करना पड़ता है, बंद करना करके रखना पड़ता है। ठीक है, और सेम ऐसे ही कंटेनर टैग्स को हमें क्लोज करना पड़ेगा। अब कंटेनर टैग क्या है, कैसे क्लोज होगा, कैसे क्या है, इसके लिए हमें नोट पैड के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स मूव टू नोट पैड। ये नोट पैड का आइकन मैंने बनाया हुआ है नीचे, मैंने यहां से कर दिया। इसका फॉन्ट, सबसे पहले आपने फॉन्ट सेट करना होता है इसका, ताकि आपको बड़ा बड़ा अच्छा नजर आए। जैसे मैंने 24 इसका साइज किया हुआ है, आपके लिए मैं इसको 28 कर देता हूँ, सो यू कैन सी इट वेरी क्लियर। ठीक है, यहाँ पर आप फॉन्ट स्टाइल भी कर सकते हैं, इसका प्रीव्यू आपको यहाँ यहाँ मिल जाएगा। जैसे मैंने ये वाला कर दिया है, मैं ओके कर देता हूँ इसको। ठीक है,
अब कमांड हमने लिखनी शुरू करनी है। सबसे पहली बात ये होती है कि इस प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर होता है बेटा, स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका ढांचा, वो हमें सेम टू सेम यूज करना होता है, अदरवाइज आवर प्रोग्राम विल नॉट रन, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं यहां पर HTML, HTML। देखो बेटा, जो हमारी HTML लैंग्वेज है, दिस इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव, केस मैंने अपर केस या लोअर केस, सेंसिटिव मैंने जो इस बात का ध्यान रखे कि अपर लेटर है स्मॉल है, तो HTML ऐसा नहीं है। इसमें आप कहीं पर भी स्मॉल यूज कर सकते हो, कहीं भी कैपिटल यूज कर सकते हो, तो कमांड आपकी रन कर जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरे कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं इन विच यू कांट यूज कैपिटल लेटर्स, और सम इन इन सम लैंग्वेजेस देयर इज कंपल्शन टू यूज स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस के हिसाब से है, लेकिन इन HTML जैसे मैंने आपको बताया, इट इज वेरी इजी टू लर्न, इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली, ये बहुत ही आसान है। तो आप इसमें अगर कहीं गलती से अगर कैपिटल लेटर लगा देते हैं, कहीं स्मॉल लगा देते हैं, तो इसमें कुछ हार्म नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई टू यूज स्मॉल लेटर्स, ठीक है। जहां पे आपको हाईलाइट करना है देयर यू कैन यूज कैपिटल लेटर, अदरवाइज यू शुड यूज स्मॉल लेटर्स। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो इसका स्ट्रक्चर हम जान लेते हैं पहले। सबसे पहले HTML, HTML के अंदर ऐसे अगर आप इसको लिखते हो तो ये कंप्यूटर के लिए सिर्फ एक टेक्स्ट है, ये कमांड नहीं है। ये कमांड कब बनेगी? व्हेन यू पुट एंगल्ड ब्रैकेट, यानी ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन साइन। इसके दोनों तरफ आप ये साइन लगाओगे, एक तरफ स्टार्टिंग में लेस देन साइन और दूसरी तरफ लास्ट में ग्रेटर देन साइन। अब ये आपका एक टैग बन गया, एक कमांड बन गई, ठीक है। HTML सबसे पहली कमांड होती है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है, हमेशा हर प्रोग्राम में यही यूज होगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे, HTML के बाद हमारा आ गया हेड, हेड, राइट। एक और टैग हमने खोल दिया हेड के नाम से, उसके बाद हमने फिर एक टैग खोल दिया, दैट इज टाइटल, राइट। अब इस टाइटल के अंदर हमें कुछ लिखना है, मान लीजिए मैं लिख दिया कि माय फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, टाइटल। ये मैंने क्या किया अब यहां पे, देखो मैंने टाइटल को दोबारा से लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि यहां मैंने टाइटल को ऑन किया है और यहां मैं टाइटल को क्लोज करने वाला हूं, लेकिन क्लोज सेम लिखकर तो होगा ही, साथ में इसको इसके पहले हमें एक फॉरवर्ड स्लैश भी यूज करना पड़ेगा। कंप्यूटर में हम आपके पास कीबोर्ड में वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्लैशेस, एक होता है फॉरवर्ड स्लैश ये वाला और एक होता है बैकवर्ड स्लैश। ये मैं आपको करके मैं दिखा देता हूँ, ये होता है बैकवर्ड स्लैश, लेकिन हमने बैकवर्ड नहीं यूज करना है, हमने कौन सा यूज करना है? फॉरवर्ड स्लैश। यू कैन फाइंड दैट की ऑफ फॉरवर्ड स्लैश विद राइट हैंड साइड शिफ्ट की, ओके। तो यहां से हमने क्या किया, हमने एक सबसे पहले एक टैग ओपन किया, दैट इज HTML, उसके अंदर एक और टैग ओपन किया हेड, उसके अंदर एक और टैग ओपन किया दैट इज टाइटल, उस टाइटल में हमने कुछ लिख दिया, अब उसको हमने क्लोज कर दिया। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मान लीजिए कि आप एक, जैसे मैंने लास्ट ईयर भी आपको एक एग्जांपल दिया होगा, दिस इज द इजीएस्ट एग्जांपल, राइट, कि जैसे आपने एक रूम के अंदर एक अलमीरा है, उस अलमीरा में एक बॉक्स है और उसके अंदर आपने कुछ डालना है, ठीक है, तो एक और सभी कुछ लॉक है, तो आप रूम के बाहर हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रूम का दरवाजा खोलेंगे, रूम का लॉक खोलेंगे, है ना, सबसे पहले बड़ा दरवाजा खोलेंगे, यहां पर HTML को मान लीजिए वो आपका मेन दरवाजा है रूम का, उसके अंदर फिर जाके अलमीरा का लॉक खोलेंगे आप, है ना, उसके दरवाजे खोल देंगे, ये मान लीजिए अलमीरा है, और उसके अंदर एक और है, उसके अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है, मान लीजिए टाइटल का नाम का बॉक्स उस अलमीरा में रखा हुआ है, उसके अंदर आपने कुछ लिख कर डाल दिया, ये आपने डाल दिया स्लिप के अंदर। अब आप जब वापस आएंगे, ये आपने ध्यान से सुनना है बेटा, जब आप वापस आएंगे व्हेन यू कम बैक देन स्टेप्स ऑटोमेटिकली रिवर्स्ड, जो आपने सबसे बाद में ओपन किया था उसको आपको सबसे पहले क्लोज करके जाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि बॉक्स में सामान डाल दिया है, अब आपको वापस जाना है, तो आप कमरे का दरवाजा तो बंद डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि आप तो बॉक्स के पास खड़े हैं, तो सबसे पहले आपने बॉक्स बंद किया, उसके बाद फिर आप अलमीरा का दरवाजा बंद करेंगे,
हेड को क्लोज कर दिया, और उसके बाद हमें क्या क्लोज करना पड़ेगा, मेन रूम को यानी HTML को क्लोज करना पड़ेगा, लॉक लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये बात सारी ठीक है, इसके अंदर एक कमांड और यहां पे आएगी जो हम हमेशा यूज करते हैं, दैट इज बॉडी, और बॉडी को हमें क्लोज करना है। तो इसके बीच में क्या आएगा ये मैं आपको बताने वाला हूं अभी, व्हाट विल कम बिटवीन बॉडी। बॉडी को मैंने ओपन किया, बॉडी क्लोज कर दिया। यहां बेटा जो ये जगह है सारी, यहां पर जितनी भी कमांड्स होंगी कंप्यूटर के अंदर, जितनी भी कमांड होंगी वो सारी की सारी इस बॉडी सेक्शन में ही लिखी जाएंगी। जो भी आपको अपने वेब पेज के अंदर दिखाना है, कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई फोटो दिखानी है, कोई ग्राफिक्स दिखाना है, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, हाइपरलिंक, कुछ भी आपको डालना है अपने वेब पेज के अंदर, ठीक है ना, तो वो सारे के सारे कहां पर हम पुट करेंगे, कहां पे हम लिखेंगे, इन बॉडी सेक्शन, राइट। तो ये बॉडी सेक्शन देखना जानना बहुत जरूरी है, इसके अंदर हम सब कुछ लिखेंगे। अभी फिलहाल मैं यहां पे लिख देता हूं कि हेलो यू ऑल आर वेलकम, यू आर ऑल वेलकम इन HTML क्लास। मान लो वैसे मैंने कुछ कुछ भी लिख दिया, ठीक है, यू ऑल आर वेलकम इन HTML क्लास, ये मैंने लिख दिया है। अब ये एक स्ट्रक्चर हो गया तैयार। देखो ये सारा स्ट्रक्चर आपको हमेशा लिखना होगा हर एक फाइल से पहले। इसमें सिर्फ चेंज कहाँ होगा, एक तो बॉडी के अंदर जो जो आप लिखते जाओगे कमांड यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, और एक टाइटल का नाम चेंज हो जाएगा। ये बाकी कुछ भी ये सब चीजें हैं, टाइटल है, हेड है, बॉडी का अपना लोग, ये कुछ नजर नहीं आएगा वेब पेज पे। सिर्फ जो बॉडी के अंदर आप लिखोगे यहाँ पर वो सब नजर आने वाला है, बाकी कुछ नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अपना बेसिक स्ट्रक्चर है, आई एम गोइंग टू रिपीट इट। फर्स्ट इज HTML, देन हेड, उसके बाद टाइटल, फिर टाइटल में हमने प्रोग्राम का टाइटल यानी नेम लिख देना है, हेडिंग लिख देनी है, उसके बाद टाइटल को क्लोज किया, फिर उसके ऊपर हेड था तो हेड को भी क्लोज किया, उसके ऊपर HTML था तो HTML लास्ट में क्लोज होगा, याद रखना है। लेकिन उससे पहले बॉडी सेक्शन शुरू होगा जिसमें आपको आउटपुट चाहिए, और फिर उसके बाद वो सारी रिटर्न मटेरियल आप डाल देंगे इसके अंदर, जो भी आप इसमें आउटपुट चाहते हैं अपने वेब पेज पर, और फिर बॉडी को भी क्लोज कर दिया, और फाइनली HTML को क्लोज कर दिया। तो ये दो एक बार अगर आप जब लिखोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इजी इट इज, राइट। तो बहुत ही आसान है, तो आप साथ साथ करते रहेंगे तो ये होता रहेगा बेटा, राइट। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। अब इसको सेव करने का टाइम आ गया, क्योंकि कंप्यूटर हमें क्यों ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज वी कैन सेव आवर डाटा फॉर फ्यूचर रेफरेंस, राइट। तो हम सेव कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सेव करने का वही स्टाइल है, सेव फाइल पे जाइए, देन चूज सेव एज, और यहाँ पे आपने नाम लिखना है। यहां मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना है बेटा। ये स्टार्ट हमने कर दिया, यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूं, पहले तो आपने लोकेशन चूज करनी है डेस्कटॉप पे, ठीक है। फिर एक फोल्डर आपने बना लेना है, मान लीजिए मैं यहां बना देता हूं 8th के नाम से, आप अपने नाम से बना सकते हैं डेस्कटॉप पे फोल्डर, और उसके बाद डेस्कटॉप पे बना लो या किसी ड्राइव में बना लो, एज यू विश, नो प्रॉब्लम इन इट। अब मैं नाम इसमें लिख रहा हूं, मान लीजिए मैं कि फर्स्ट के नाम से मैंने बना लिया, लेकिन मुझे इसको डायरेक्टली सेव नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं सेव करूंगा तो ये देखिए यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट टीएक्सटी, यानी एक नॉर्मल फाइल बन जाएगी नोटपैड की है, लेकिन मुझे तो वेब पेज बनाना है ना, तो मुझे वेब पेज बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लास्ट में डॉट लगाकर मुझे लिखना पड़ेगा HTML, यानी ये फाइल कैसी बन जाए, वेब पेज बन जाए, और वेब पेज की एक्सटेंशन क्या होती है बेटा, HTML, जैसे आपका अपना सरनेम होता है ऐसे ही वेब पेज का भी अपना सरनेम होता है, राइट। तो ये जैसे मैं इसको सेव कर दूंगा, ये देखो मैंने सेव किया, एंड नो नीड टू क्लोज इट, सिर्फ आप डेस्कटॉप पे जाइए, डेस्कटॉप पे जाके ये 8th का फोल्डर मुझे यहाँ मिल चुका है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, और ये देखो ये फाइल यहाँ पे आ गई है, ठीक है ना, ये मैंने इसको ओपन किया, ये देखिए आपको थोड़ा सा नजर आ जाए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए, ये देखिए सिर्फ क्या नजर आया इसके ऊपर, जो आपने बॉडी टैग के अंदर लिखा था, अभी मैं आपको नोटपैड पे भी लेके जाता हूँ वापस,
ये देखो जो मैंने यहां लिखा था सिर्फ वही आपको नजर आ रहा है, लुक, बाकी का कुछ भी जितने ये टैग्स लिखे थे आपने कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक चीज और आपको नजर आएगी एंड दैट इज द टाइटल नेम। वो कहां नजर आ रहा है देखिए, वो यहां नजर आ रहा है ये ऊपर इसके टाइटल पे, माय फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो इस तरह से अब यहां पर कुछ भी आप चेंज करेंगे इसको आपने मिनिमाइज ही रखना है। मान लीजिए यहां पर मैं एक चेंज कर देता हूं, ये मैं 3 dots मैंने और लगा दिए, ये कुछ और मैंने ऐड कर दिए, नोट 3। तो मैं इसको सेव करना है, सिर्फ सेव, फाइल सेव, सेव एज नहीं करना, सेव एज सिर्फ एक ही बार, और उसके बाद यहां जाकर इसको मैंने रिफ्रेश कर देना, या तो F5 बटन दबा दीजिए या रिफ्रेश कर दीजिए। ये देखो ये इसके अंदर भी ऐड हो गए, यानी इसमें ऐड करने हैं, सेव करना है और यहां आके रिफ्रेश कर देना है, ये अपने आप चेंजिंग आ जाएगी यहां पे, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम आज मैंने आपको कराया, इसको आप कर सकते हैं और कोशिश करनी है कि ये सारी कमांड्स आप करके देखें। इफ यू हैव योर प्रीवियस बुक विद यू ऑफ 7th स्टैंडर्ड यू कैन गो थ्रू इट, राइट, अदरवाइज यू कैन सी द वीडियोज ऑफ 10th स्टैंडर्ड बिकॉज द HTML इज वी हैव HTML इन आवर सिलेबस इन 10th ऑल्सो, तो वहां पर मेरी वीडियोज हैं, यू कैन विजिट ऑल द HTML वीडियोज ऑन आवर यूट्यूब चैनल ऑफ स्कूल यूट्यूब चैनल, ओनली जस्ट राइट HTML, कंप्यूटर HTML, बस ये आप लिख देना, बाकी सारे HTML से रिलेटेड वीडियोज आपको वहाँ स्कूल के जो हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं आप उसको विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, वहाँ से भी आप सीख सकते हो, अदरवाइज ये वीडियोज भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। ओके बेटा, नाउ यूर टर्न टू आस्क एनीथिंग इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग, बेटा दिस इज यूर टर्न नाउ, यस स्टूडेंट्स इफ यू वॉन्ट एनीथिंग यू कैन आस्क। Do you want to ask anything, beta? Simran, Srishti, Sunidhi, Vansh? No, sir. No, sir. Is it clear? No, sir. Is it clear, beta? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, clear. Okay. Good. Okay, then I am taking your attendance. After that, I will end the meeting. Just wait.